देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी, अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है, 10% आज जमा करते हैं वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दें जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत नहीं। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।